आउटलुक ईमेल हम कैसे किसी भी कंपनी में यूज करते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि किसी को भी मेल कैसे सेंड करते हैं, किसी से मेल हम कैसे रिसीव करते हैं, वो इनबॉक्स में मेल कौन सा रहता है, सेंट आइटम में मेल कौन सा रहता है, कि नया मेल हम कैसे बनाते हैं, मेल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसी से रिलेटेड मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले आपका जो है आउटलुक ओपन होना चाहिए। ओपन दो तरीके से हो सकता है, एक आपके डेस्कटॉप पे जो है आइकॉन बना हुआ आउटलुक का, दूसरा जो है आप यहाँ पे टैब सर्च में करके आप सर्च कर सकते हैं। देखिए हमने दिया आउटलुक, यहाँ पे आ गया, इस पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद ओपन होके आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे आउटलुक। अब हमने जो साइज में ये है, इसके अंदर में जितने भी आपका मेल इन होता है वो सारे मेल यहाँ पे होते हैं, डे टू डे जो भी स्टोर होगा ये देखिए सारे मेल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप अभी भी कोई भी मेल देख सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर में हमने बहुत सारा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फोल्डर बनाया है, आप भी फोल्डर बना सकते हैं। अब फोल्डर बनाना मैं आगे बताऊंगा। ड्राफ्ट मेल में वो मेल लाते हैं जो आपने मेल भेजा है, बना लिया है और ड्राफ्ट में रख लिया है कि हम बाद में जाके उसको सेंड करेंगे। सेंड में वो मेल होते हैं जो आपने जिस जिसको भेजे हैं डे टू डे, वो सारे मेल आपके आउटलुक में स्टोर होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये सारे सेंट आइटम में मेल पड़े हुए हैं। तो सेंट में सारे जितने भी आपने जिस चीज को भेजे हैं वो सारे डेट वाइज मेल स्टार्ट टू तीन डेट होते हैं। उसके बाद डिलीटेड में जो भी आप मेल डिलीट कर दिए वो सारे डिलीटेड में आके स्टोर हो जाता है। जंक मेल में जो फालतू को आपने स्पैम कर रखा है वो सारे मेल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सर्च फोल्डर है, सर्च करना चाह रहे हैं ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर कुछ फोल्डर सब बने हुए हैं हमारे पुराने मेल के, तो यही हमारा जो है सो पूरा लेफ्ट साइड में ये सारे आपको समझना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं, ये देखिए बीच में जितने मेल आपको विजिबल हो रहे हैं ये जो है जो सारे आपके जितने भी इन होते हैं आपके आउटबॉक्स में वो सारे यहाँ पे स्टोर रहते हैं, तो ये देख सकते हैं। अब जिस मेल को आपको देखना है तो ये थंब जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये मेल देखें तो देखिए यहाँ पे ये मेल आपको दिखा देगा। ये देखिए आप ऐसे करके देख सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ओपन करके डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये तो आपको डिस्प्ले करने का हो गया। अब बात करते हैं कि हम किसी को मेल कैसे भेजें। तो मेल भेजने के लिए हमें क्या करना है, न्यू पे मेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको समझना है कि टू में आप उसको मेल आईडी डालेंगे जिसको आपको डायरेक्ट भेजना है। फॉर एग्जाम्पल हम दे दिए एक मेल आईडी कुलदीप झा, तो हमने कुलदीप झा को भेजना है तो हमने कुलदीप झा का दे दिया। किसी और को भेजना है तो उसका नाम आपको मेल आईडी लिखना है वहां पे। अब यहाँ पे सीसी में आप उसको डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि उस काम से रिलेटेड उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे को आप यहाँ पे सीसी में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया कुलदीप, ये इसके बाद आप बीसीसी में भी डाल सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे बीसीसी ऑप्शन है, यहाँ पर हमने एक मेल डाल दिया फिर बीसीसी का @gmail, फिर ओके कर दिया। देखिए पहले स्क्रीन पे ये दिखने लगा बीसीसी आ गया। बीसीसी में उसका मेल आईडी हम डालते हैं जो हम अगला को जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं उनको मेल जाए, मेरा सीसी वाले को जाए और बीसीसी वाले को भी जाए। लेकिन बीसीसी में हम किस किस को भेजे हैं वो टू को जिसको डाले हैं और सीसी में डाले हैं उनको नहीं पता चलेगा कि हमने किसको भेजा है बीसीसी में, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं चलेगा।
तो अब ना हमने ये भी डाल दिया, अब यहाँ पे हमें जो है जो चीज हम जिस काम का भेजते हैं वो चीज हमें मेल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया कि अपने बॉस को लिखा या जो हमारे सीनियर है उसको लिखा, डियर सर प्लीज गो टू द एयरटेल डेली कैश कलेक्शन टैकर जैन ये प्लीज गो टू इट थैंक्स एंड रिगार्ड्स दे। अब इसके बाद जो है हमने मेल भी डाल दिया, अब हम यहाँ अटैच लिखे हैं लेकिन हमने अटैच नहीं किया है। तो जब हमें जिस काम का फाइल हमें भेजना है जिसको हम मेल कर रहे हैं तो वो अटैचमेंट करने के लिए उस फाइल को यहाँ पे अटैचमेंट पे अटैच पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर आपका फाइल जिस लोकेशन पे है उस पे जाके आपको उसका लोकेशन दिखा के वहां से सेलेक्ट करना है। अब हमने दे दिया एक फाइल यहाँ का लोकेशन और यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया ये आ गया अटैच हो गया। इसके बाद हमें इसमें डालना है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, मैंने ये भेज रहे हैं जिस काम के लिए हम भेज रहे हैं उसका काम के बारे में उसका समरी लिख देते हैं। इस हिसाब से लिखते हैं जो छोटा में उनको समझ में आ जाए जो हमने क्या मेल उनको भेजा है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि डेली कैश कलेक्शन ट्रैकर है जो हम आपको सेंड कर रहे हैं। तो अब देखिए इस तरह से हमारा पूरा मेल बन गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करना चाहें तो फॉर्मेटिंग भी करना है, जैसे हम वर्ड एक्सेल में सिलेक्ट करके करते हैं यहाँ भी सिलेक्शन करना है। अगर आपको फॉन्ट बनाना है तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज बना दिए। अगर आपको कुछ कलर करना है तो कलर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डेली कलेक्शन है इसको हमें हाईलाइट करना है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ कलर पे क्लिक कर दिए कलर हो गया। अगर हमें इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारे फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग पेंटर भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज किया इसको कलर किया और रेड कलर में फॉन्ट लिखा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे हमें बार बार हर चीज दबाने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिलेक्ट कर लिया फिर फॉर्मेट सेंटर को क्लिक कर दिया और जिस पे आपको जहां से जहां तक आपको सेव करना है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए वो सेम चीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा फॉर्मेटिंग भी कर लिया। इसके बाद हमें जो है सो कुछ नहीं करना केवल सेंड कर देना है तो जिसको आप भेज रहे हैं उसको मेल चला जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे सेंड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आउटबॉक्स में आ गया ये मेल आपका, ये देखिए आउटबॉक्स देखिए मेल चला गया। अब मेल चलने के जब ही आउटबॉक्स से मेल चला गया इट मीन्स वो आपके सेंट आइटम में वो मेल आज के डेट में आ जाएगा। जब आप जाएंगे डेट वाइज देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वो मेल सेंट आइटम में आ गया। इट मीन्स हमें ये पता हो गया कि मेरा मेल जो है उनको चला गया जिसको हमने भेजा। अब यहाँ पे हम फिर इसको सेंड रिसीव करते हैं क्योंकि हमने एक मेल खुद के लिए भी डाला था कुछ दिन जाके नाम से, तो इसको हम सेंड रिसीव करेंगे जिससे हमारा रिसीव हो जाएगा वो मेल जो भेजा था। ये देखिए मेल रिसीव हो रहा है और मेल अभी आ जाएगा, देखिए आ गया कुलदीप झा के नाम से। ये देखिए मेल हमारा वही सेम मेल रिसीव भी हो गया। तो आप मेल करना बनाना भी सीख गए, मेल सेंड करना भी सीख गए, फॉर्मेटिंग करना सीख गए। अब यहाँ पे आप अगर चाह रहे हैं कि हम नया जब मेल बनाए और हमारा ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स कुलदीप झा गए आपका आ जाए, तो इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन में आना है। ऑप्शन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेल में आना है और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर करके है। इस सिग्नेचर में आके आप जो भी लिखेंगे वो आपको हर मेल में जब न्यू मेल बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखिए एनी टैक्स नंबर, अब यहाँ पे हमने एनी टैक्स नंबर लिख दिया। अब वो एनी टैक्स नंबर का नंबर डाल देते हैं, अब यहाँ पे फिर ओके कर देना है। जब आप ओके कर दिए फिर यहाँ भी ओके कर देना है। अब देखिए हम नया मेल बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपको
बार बार लिखने की ये चीज जरूरत नहीं है। आपका सिग्नेचर, वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक हर मेल में आपको आ जाएंगे। अब अगर आप चाह रहे हैं, देखिए फॉर्मेटिंग पहले भी बताया, सारे जैसे एक्सेल वर्ड में करते हैं, ठीक यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। केवल आपको क्या हो रहा है, देखिए आप सेंटर में किए तो सेंटर में आ गया, इसको अगर आप राइट में करेंगे तो राइट में चला जाएगा, जैसे वर्ड एक्सेल में हो रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग सब कॉपी जैसे वहां करते हैं, यहाँ भी कॉपी देखिए सेम चीज होता है, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो पेस्ट हो जाएंगे सेम जैसे वर्ड एक्सेल में हो रहा है, कुछ भी और चेंजिंग नहीं हो रहा है। थोड़ा मेल भेजने का, मेल रिसीव करने का, ये सब चेंजिंग है। इस तरह से फोल्डर बनानी है, तो फोल्डर बनाने के लिए अगर इनबॉक्स में के अंदर बनाना है तो इनबॉक्स पे राइट पर्सन बटन दबाना है और यहाँ कॉपी फोल्डर कर देना है। तो अब यहाँ पे जो भी आपको फोल्डर कॉपी करना है वो कॉपी कर सकते हैं। अगर न्यू बनाना है तो इस पे न्यू पे क्लिक कर देना है, अन्यथा ओके करना है। अब हम लिख दिए यहाँ पे झा, तो झा लिख दिए, तो झा नाम से ये फोल्डर हम इनबॉक्स के अंदर बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जहाँ आपका वीडियो, अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।